असल एवरीवन, दिस इज जय प्रमान। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। तो भाई न्यूज़ ये है कि इंडिया जो है वो चांद वान पे पहुंच गया। पता नहीं वो चांद पे पहुंचे हैं या नहीं पहुंचे हैं। जो कुछ मैंने देखा है, जिस तरह की इमेज है, तो वो चंद्रयान के पीछे जो चमक रहा है, अगर वो चांद है तो फिर ये कहाँ है? और अगर ये चांद है तो फिर वो पीछे किसके अब्बू चमक रहे हैं? एनी वे, सवाल बहुत है साइंटिफिकली भी, अगर लॉजिकली भी देखा जाए तो उसके हवाले से। लेकिन पॉइंट ये है कि इरादा, अगर झूठ भी बोला है तो उसका इरादा है, उनकी सोच कहाँ जा रही है, मतलब किस बारे में झूठ बोलना है। इंडिया चांद पे जा रहा है और हम कहाँ जा रहे हैं? हमारे यहाँ जो पप्पो मिलने आती है वही अपने घर वापस नहीं जाती। हमारे यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। अब जो लोग बोलेंगे नहीं नहीं हमारे पप्पो ऐसी होती है, हमारी पप्पो मेरी खाला ऐसे, नहीं नहीं भाई, सबकी खाला पप्पो एक जैसी होती है। तो मैं भी पहले यही सोचा करती थी, बट थिंग्स आर चेंज नाउ। उसके अलावा दूसरी बात यह है कि हम लोग कहाँ फोकस करते हैं? हम ये फोकस करते हैं कि भाई फलाने की बच्ची अकेली कॉलेज कैसे जा रही है, उसकी बच्ची यहाँ जा रही है, उसका बेटा वहाँ जा रहा है। नहीं, चांद वांद को भाड़ में डालो। और बात सिर्फ यहाँ पे ख़त्म नहीं होती। हमारे यहाँ कुछ लोग ऐसे भी हैं, कुछ नहीं, तकरीबन सारे ऐसे, जिस दिन से इंडिया ने ये वाला चांद का शीशा छोड़ा उस दिन से मुझे ज़्यादातर जो मीम्स हैं वो दिख रही हैं कि अच्छा जी चांद पे तुम चल रहे हो, जन्नत में तो हम ही जाएंगे। अच्छा, ऐसा क्या क्या आपको सुकून मिल गया? दैट्स इट। तो हम जो अपने घर में टॉयलेट तक कभी नहीं बना पाई वो चांद पे जाने की झूठ बोल रही है, तो हम भी तो कुछ कर लें ना। हम भी तो कुछ तो ऐसा कर लें लाइफ में। हमने स्पेस के लिए क्या रिसर्च की है कुछ नहीं पता। हमारे यहाँ के किसी बच्चे से पूछने नहीं पता। हमारे यहाँ जो स्पार्क बनाई गई थी पाकिस्तान में, स्पेस रिसर्च और अपर स्पेस ऑर्गेनाइजेशन जो है हमारी, वो बनाई थी डॉक्टर अब्दुल सलाम ने। अभी भाई अब बच्चों से यही पूछ लीजिए कि अब्दुल सलाम के क्या काम है, उनकी क्या कारकर्दगी रही थी, उन्होंने क्या क्या काविशें की थी। नहीं, किसी को कुछ नहीं पता। और हमें क्या फ़र्क पड़ता है? किताबों में लिख दिया, रट्टा मारो, पेपर दो, ख़त्म, भूलो, खाच। इस तरह से जब आप लाइफ गुजारेंगे तो कब आपको पता लगेगा कि आप कहाँ जो है वो ग्रो कर रहे हैं? तो फिर मैं समझती हूँ कि ऐसे लोगों को कंप्लेन करने का भी कोई हक नहीं है। हम कंप्लेन करते हैं, हाँ हम कंप्लेन करते हैं, पेट्रोल इतना महंगा हो गया, किराए इतने बढ़ गए हैं, खाना पीना इतना महंगा हो गया, रिहाइश इतनी महंगी हो गई है, लेकिन ये सब क्यों? और अगर हो रहा है तो आप आवाज़ क्यों नहीं उठाते? अरे अल्लाह के बंदो, अगर लगता है कि इतना महंगा है तो आप एहतजाज करो, पेट्रोल लेना खत्म। नहीं जी, जिस दिन पेट्रोल महंगा होगा हमारी पूरी कौम पूरी रात रात पेट्रोल लगा लेगी। क्यों? क्योंकि कल तो पेट्रोल नकाल पड़ जाएगा, महंगा हो जाएगा, और फिर उसके बाद पूरे साल रोते रहेंगे बैठ के। ये हमारी कौम के काम है। उसके बाद फिर हम कंप्लेन करते हैं कि जो इंडिया चांद पे जा रहे हैं। मुझे भी कंप्लेन है, मेरे भी बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन एटलीस्ट आई एम नॉट डूइंग लाइक दिस। आई डू हैव मेनी क्वेश्चन रिगार्डिंग चंद्रयान 3। आई डू हैव सम थिंग्स लाइक आई वॉन्ट टू नो कि हाँ भाई ये जो पीछे चमक रहा है वो चांद है, या फिर जो आप दिखा रहे हैं वो चांद है, वट सो एवर इज दैट। लेकिन आप इतनी सवाल तो करें, आप क्या करें? आप मीम्स बना रहे हैं, हाँ जी चांद पे आप गए, जन्नत में हम जाएंगे, यहाँ हम गए। हमारे यहाँ के मर्दों के पास एक काम है, चार शादियाँ कर लो, उरे मिल जाएंगी, बस इनके पास यही काम है। और आई जो फीमेल थे, नहीं नहीं तुमने किसी और की तरफ देखा तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। यार खुदा का खौफ करें। आई मीन थिंक पॉजिटिव, हैव सम चेंजेस। आपकी कंट्री में जिन लोगों की कॉन्ट्रीब्यूशन है, जिन लोगों ने वाकई कुछ किया, आप उनको जानते हैं या नहीं जानते हैं? हम पहले गालियाँ देने से हमें फुर्सत मिल जाए, उसके बाद हम कुछ करते हैं। मैं भी यही कर रही हूँ अभी, मैं खुद भी यही कर रही हूँ, बट एटलीस्ट मैं खुद अपने आप से तंग आ चुकी हूँ। तो मेरा ये सवाल है आप लोगों से कि हम जो कर रहे हैं वो ठीक है या हमें क्या करना चाहिए? नाउ दिस इज अ क्वेश्चन, अ जनरल क्वेश्चन। अभी मेरे ऊपर बहुत सारे लोग शुरू हुए, नहीं तुम्हें ऐसी बातें करती हो, तुम्हें तो इतनी कंप्लेन करती हो। हाँ भाई मैं कंप्लेन करती हूँ, मैं सबके सामने में अभी भी कंप्लेन कर रही हूँ, मैं अपने बारे में भी कंप्लेन कर रही हूँ। दैट्स व्हाट आई एम गोना चेंज माई सेल्फ, सो व्हाई डोंट यू गाइस गोना चेंज? गरीबों बदलो, खुद को बदलो।